हेलो गाइस, मैं रमेश खन्ना, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। और आज का दिन जो है ना, बहुत ही ज्यादा हैप्पी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि 20 साल पहले जो मैंने सपना देखा था, आज पूरा होने जा रहा है। क्योंकि मेरा जो सपना था वो था ये कि मैं सिंगर बनूं और गाना बनाऊं और आप लोगों को सुनाऊं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस, आज ये सपना मेरा साकार हो रहा है। काफी लंबा सफर रहा, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया। तो गाइस, चलते हैं सीधा यहाँ से स्टूडियो। चलो बैठो रिक्शा में। तो गाइस, 20 साल का सपना आज साकार होने जा रहा है। और कपिल देव मौर्या जी हमारे साथ में, जो मैंने गाना लिखा था वो ये कंपोज करेंगे। और ये मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। और आप बताएंगे, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। नहीं, भाई का सपना था कि गाना गाने के लिए, मैं बोला भाई थोड़ा दो दिन लेट हो गया, लेकिन जो लेट हुआ अच्छा। और म्यूजिक रिकॉर्डिंग वाले हमारे भोला भाई विश्वकर्मा जी, इनकी बहुत दुआरें हमारे ऊपर। इस सपने में साथ देने वाली मेरी वाइफ सोनल खन्ना जी, जो बेचारी हमेशा मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और होना चाहिए, हमारे फैमिली है, लेकिन थैंक यू सो मच। सागर ये रहेगा हमारा हीरो इस गाने के लिए। गाइस, एक्टर यही है, तो इसका भी काफी सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। और मेरा हीरो छोटा वाला, इसने गाना राइटिंग किया है, ये हमारे छोटे साहब ने राइटिंग किया है। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा गाना लिखा है इन्होंने, रैप भी बहुत अच्छा लिखा है। शूटिंग सर हमारी लोनावाले में होगी, एकदम ग्रीन है, पूरा थोड़ा अच्छा, एकदम एकदम। उमेश भाई, अरे कहना क्या चाहते हो? रमेश भाई, बेस्ट ऑफ लक, आप जाइए अंदर, गाने की रिकॉर्डिंग शुरू करिए। हमारे दिल से दुआ है कि आप हमेशा इसे गाते हैं, मुस्कुराते रहिए। चलिए, आपका सफर 20 साल का आज पूरा होने जा रहा है। चलिए ट्रैक लगाइए भोला भाई और गाते हैं भाई। सीधे स्टेट खड़े रहिए। हाँ, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, आराम गिरेगा नहीं। हाँ, स्टेट रखिए। हाँ, अरे अच्छा, उल्टे लगा दे क्या? बस ठीक हो ना, और आ गई। हाँ बस इतना बोलना। हाँ बस, हाँ रहिए उतनी सकती, ठीक है ना। बोला कुछ बताते हैं। हेलो, आवाज सुनाई दे रही ना? जी जी। गाइए तो गाना कैसे आपका? गाइए बोल रहे हैं, ये फीलिंग आएगी। मैं किसी लड़की को बोल रहा हूँ तब फीलिंग आएगी, ये समझ लीजिए, है कि नहीं? इसके लिए ये समझ फीलिंग आएगी, तब अच्छे से गाएंगे। चलिए नीचे से गाइए, एकदम चिल्लाक नहीं गाना, आराम से। चलिए, प्यास बोलेंगे, देखा मैंने तुझको, जी आराम प्यास चिल्ला के बोलेंगे तो भाग ही जाएंगे, भाग जाएगी। तो उसको नींद खोगे ना, देखा मैंने तुझको, एक बार गाइए ऐसे ही।
क्योंकि पहली बार भाई ने गाया, दिल में तमन्ना थी गाने के लिए। बहुत कम लोग स्टूडियो में रिदम पे बीट पे गा सकते हैं, लेकिन पहली बार गाया बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच कपिल भाई, मैं चाहूंगा आपका गाना ब्लॉकबस्टर जाए, मिलियन जाए, मिलियन जाए, और बहुत प्यार आशीर्वाद मिले। मैं पूरा आजीवन सपोर्ट करूंगा भाई के लिए। जब रमेश खन्ना जी का आप पहली बार गाए रमेश खन्ना जी, लेकिन लगा नहीं कि ये पहली बार गाए, इतना बखूबी तरीके से जो है बीट पे और उस तरीके का निभाना, जिस तरीके से बताया पकड़ना, ये सब समझ लीजिए कि एक कैचअप होना बहुत अच्छी अच्छा हुआ गाना बहुत अच्छा हुआ। बोलते ना जब अच्छे लोग मिलते हैं ना तो सब चीजें आसान हो जाती है। सही, सही। कपिल देव भाई और बोला विश्वकर्मा जी, जल्द आप सभी के बीच में जाएगा गाना, किसी तरह हमारे खन्ना जी के चैनल से जाएगा। आप लोग ढेर सारा खूब भर भर के प्यार दीजिए माता रानी हमेशा, और आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा गाना भी लाइन पे है, और ये गाना हुआ इस, अब दूसरा गाना पहली बार तो आदमी सीखता, दूसरी बार दौड़ता है, पहली बार सीखे दूसरी बार दौड़ेंगे, और चौथी बार तो एकदम पूरा रेस का घोड़ा बने, है कि नहीं? थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अभी जा रहे हैं घर पे गाइस, बहुत ही बढ़िया हमारे मित्र कपिल देव मोहिया जी ने। थैंक यू सो मच, बाय बाय।